बाग 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। आपके क्या लगते हैं? संजय जी हमारे दमाद पिछले 6 महीने से वो जेल में थे, अभी जमानत मिल रही है, घर में माहौल? घर का माहौल, उनके जमानत हो गया इसलिए तो हम लोगों को बहुत खुशी है, जरूरत से ज्यादा खुशी है, इसमें कोई दो राय नहीं। संजय जी निर्दोष थे कि दोषी? वो तो निर्दोष है, उनको जानबूझ करके फंसाया गया है, बहुत ईमानदार है। इच्छा भैया आप लोग पैसा बिता, हम लोग बहुत दुखी, बहुत ही ज्यादा, हमारा पूरा परिवार ही दुखी था। इन सबके पीछे क्या लगता है, क्या वजह रही होगी उनको जेल में डालने की सारे लोगों को इस तरह से? अब देखिए राजनीति की बात है, इसको हम कहाँ तक आपको बता सकते हैं, ये सब तो राजनीति की बात है, कैसे हुआ क्या हुआ। तो इस दरमियान आपकी बेबी से बात होती थी, बेबी कुछ बताई? नहीं, बेबी इस विषय में मुझे टेंशन नहीं देना चाहती थी, इसलिए जानती हैं कि मम्मी ब्लड प्रेशर की मरीज हैं, तो वो ये सब बातें नहीं हमसे करती थी, केवल मेरी हाल चाल लेती थी, मम्मी आप कैसी हैं कैसी हैं, ये सब चीज़ हमारे बच्चों हमको बचाते हैं। माता जी उनके ऊपर आरोप लग रहा था कि काफी पैसे लिए, चंदा लिए, शराब लिए, गलत, ये सरासर गलत है। आज अगर पैसा लेते तो कहाँ से कहाँ रहते, ये सब गलत बात है। वो दिल्ली में रहते हैं लेकिन पार्टी ने उनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया था, आम आदमी पार्टी ने, तो क्या कभी ऐसी मंशा जाहिर की उन्होंने कि वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे या लोगों के बीच में आएंगे, इस तरीके की कोई बातचीत? उनसे तो हमारी कोई बातचीत हुई नहीं है, इसलिए हमको इस विषय में कोई जानकारी है नहीं। ठीक। 4 अक्टूबर से संजय सिंह जेल में बंद थे, कल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है, किस तरह से देखते हैं पूरे घटनाक्रम? मैं तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो संज्ञान में लेते हुए जमानत उनको दी है। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये उनके ऊपर जितने भी आरोप थे बेबुनियाद थे। उनके ऊपर आरोप लगे कि शराब नीति मामले में लगभग 82 लाख रुपए का चंदा उन्होंने दिया था, और लगभग आम आदमी पार्टी के जितने बड़े नेता हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हों, संजय सिंह हों, खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों, सभी सलाखों के पीछे। सलाखों के पीछे जरूर हैं वो, लेकिन आज तक ईडी ने एक भी मनी ट्रेल दिखा नहीं पाए। बेबुनियाद राजनीतिक ये बस दबाव है जो उनको रखा गया है, और बाकी वाकई में वो लोग ईमानदार हैं और ईमानदार पार्टी है ये। क्या कभी बातचीत हुई संजय सिंह से आपकी चुनावी मुद्दे को लेकर के, चुनाव लड़ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश से? ऐसा कोई वो नहीं है, ये ऐसी कोई न्यूज़ नहीं कि वो चुनाव यहाँ लड़ेंगे चुनाव, वो ऑलरेडी राज्यसभा फिर से मनोनीत हुए हैं, आप लोगों को पता ही है वो, और ऐसी कोई वो नहीं है कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न सिंह। लगभग 6 महीने संजय सिंह जेल में रहे हैं, कल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है, कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? सत्य में वो जयते, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, हम लोग बहुत दिनों से उनके साथ काम किया है, हम लोगों ने, हमारे राजनीतिक गुरु रहे हैं, और मैं जानता हूं कि उन्होंने अपने जीवन का एक एक क्षण इतनी ईमानदारी से व्यतीत किया है कि मोदी की पूरी फौज भी लग जाएगी तो एक चवन्नी कभी उनको मिल नहीं सकता, कहीं से बेदाग थे और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगाई है। आप कह रहे हैं बेदाग है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके के आरोप लगा रही है, वो कह रहे हैं कि बड़ा लंबा चंदे के रूप में पैसा लिया है उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी मोदी के हाथ में जब आई तो वो भ्रष्टाचार जनता पार्टी हो गई है, अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई, सारे हिंदुस्तान के भ्रष्टाचारी उसमें जा रहे हैं और वो अपने वॉशिंग मशीन में धुल करके उनको ले आ रहे हैं, और शराब नीति का घोटाला अभी आगे देखते जाइए, ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का घोटाला बन गया है, क्योंकि मनी ट्रेल तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर तक पहुँच गया, इनको कभी पता ही नहीं था कि शरद चंद्र रेड्डी जो मुख्य आरोपी है, वो जो इलेक्टोरल बांड जो हफ्ता वसूली किया ईडी के माध्यम से, वो कभी खुल के सामने आएगा, अब वो सामने आ गया है। 60 करोड़ की जो शरद चंद्र रेड्डी ने इलेक्टोरल बांड भारतीय जनता पार्टी को दिया है, वो सीधे सीधे घूस है, रिश्वत है, गिरफ्तारी के बाद की है, इसकी जांच होनी चाहिए। हमारी सरकार बनेगी तो जेपी नड्डा जी जेल में होंगे। किस तरह की भूमिका में नजर आएंगे संजय सिंह उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में और देश की राजनीति में संजय सिंह विपक्ष के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरा हैं, और वो मुख्य भूमिका में रहेंगे, और पूरे चुनाव में आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष की एक जान के रूप में हमारे नेता उभर करके सामने आएंगे।